हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास LKG UKG एन नर्सरी, वेलकम बैक इन सरस्वती इंग्लिश एकेडमी। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अक्षर जिनकी मात्राएं लगती हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नाउ वी स्टार्ट। ऐसे अक्षर जिनकी मात्राएं लगती हैं उनको हम क्या कहते हैं, और जिन पे मात्राएं लगती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के अंदर पढ़ेंगे हम स्वर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्वर। और स्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवल। क्या कहते हैं बच्चों? वॉवल। तो स्वर जिनकी मात्राएं लगती हैं, अ आ ई उ री ए आई ओ आउ अं अह, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इन सबको? स्वर। अ से लगाकर अह तक के सभी अक्षर स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर। क्या कहलाते हैं बच्चों? स्वर। और व्यंजन किसको कहते हैं? वे वर्ण जिन पर मात्राएं लगती हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जिन पर मात्राएं लगती हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। क्या कहलाते हैं बच्चों? व्यंजन। स्टार्ट टू राइट, लिखना शुरू कीजिए। अब हम बात करेंगे व्यंजन कौन कौन से होते हैं। लुक, देखिए, क ख ग घड़ च छ ज जणे ट ठ ड ढण त थ द धन प फ ब म य र ल व श श ष षट्र ज्ञ। ये क्या है सारे? व्यंजन। क्या है डियर स्टूडेंट्स? व्यंजन। तो बताओ बच्चों व्यंजन कौन कौन से हैं? क ख क से लगा के ज्ञ तक, क से लगा के ज्ञ तक क्या है? व्यंजन। इन पे हमेशा क्या लगाई जाती हैं? मात्राएं। क्या लगाई जाती हैं? मात्राएं। लिखिए आप सारे स्वर और व्यंजन अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। अब हम आपको मात्राएं लिखना सिखाएंगे, मात्राएं कैसे लिखी जाती हैं। तो स्वर क्या होते हैं बच्चों? स्वर क्या होते हैं? वे अक्षर जिनकी मात्राएं लगती हैं उनको स्वर कहते हैं। स्वर किनको कहते हैं? वे अक्षर जिनकी मात्राएं लगती हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर। और व्यंजन वे वर्ण जिन पर मात्राएं लगती हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन। तो आज हम आपको मात्राएं लगाना सिखाएंगे। आप ये जो वर्क हैं इनको अपनी कॉपी में करना है, अच्छी तरह से राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो बच्चों आपको पता चला अक्षर जिनकी मात्राएं लगती हैं? अ अक्षर की मात्रा लगती है? नहीं, प्रत्येक जितने भी व्यंजन हैं ना इन सब के अंदर अ तो पहले से ही मिला हुआ होता है। आ की मात्रा वन लाइन होगी, फिर
फिर लगेगी छोटी की मात्रा, फिर आपको बड़ी की मात्रा लगानी है, फिर ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये फिर रही बड़ा ऊ की मात्रा, फिर री, फिर ये हमारी आई, ये ओ, आउ, अंग और अह, इन सब की हमें मात्राएं लगानी हैं। और आपको सारे व्यंजन याद है ना, जिन बच्चों को व्यंजन सारे याद नहीं हैं वो अपनी कॉपी में सारे व्यंजन लिखे, क से क्या होता है, ख से क्या होता है, ग से क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताए हुए हैं। आपको सारे व्यंजन जो हैं अपनी कॉपी में लिखने और याद करने, क से लगा के ज्ञ तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। ये 36 जो आपके कॉन्सोनेंट हैं आप इनको लिखिए अपनी कॉपी में, लर्न जरूर करें। जब आप लर्न करोगे ना तभी आप मात्रा लगा सकते हो, ओके। और ये जो है ना, ये आपका वीडियो वर्क है, आज का आपका जो वर्क है डियर स्टूडेंट्स, वो वर्क है क से लगा के ज्ञ तक, क से लगा के ज्ञ तक सभी व्यंजन अपनी कॉपी में लिखे, क से लगा के ज्ञ तक सभी व्यंजन अपनी कॉपी में लिखे, और अ से लगा के अह तक के सारे जो स्वर हैं इनको अपनी कॉपी में सुव्यवस्थित ढंग से लिखे और उनको याद कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अ से अनार से लगा के ज्ञ से ज्ञानी तक जो उच्चारण है, किस शब्द से क्या बनता है, किस अक्षर से क्या बनता है, वो मैंने आपको सिखाया है। तो आप वो सारे जो हैं रिवीजन जरूर करें और उनको याद करें, क्योंकि अब जब हम मात्राएं लगाना सीखेंगे ना तो हमें अक्षर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें स्वर का अच्छी तरह से नॉलेज होगा कि ये अ है, ये आ है, ये ई की मात्रा है बड़ी, तभी हम मात्राएं अच्छी तरह से और सुव्यवस्थित ढंग से लगा सकते हैं। मात्राओं के ज्ञान के लिए स्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ओके। और आपको पूरे व्यंजन जो है अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनको याद करने हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। स्टे इन होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वक्त को जो है अपनी कॉपी में कंप्लीट करें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में जो हैं हम आपको मात्राएँ लगाना सिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो वक्त दिया है अ से लगा के ज्ञ तक, इस पूरे व्यंजन को, पूरे स्वर को जो है अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख के और उन्हें याद करें, ओके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में वापस मिलेंगे। आप स्टार्ट कीजिए लिखना।